हेलो दोस्तों, आदर्श क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जल्द ही दिवाली आने वाली है। मार्केट में तो घर में दिवाली का डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम जब अपने हाथों से इन चीज़ों को बना के घर को सजाते हैं तो उसका मज़ा ही और कुछ है। तो चलिए एक बंधनवार या तोरण बनाते हैं। घर में मिलने वाले चीज़ों को लेके आसानी से ये तोरण बना सकते हैं। ये तोरण मैंने आर्ट विद दीवा ये चैनल से इंस्पायर होके किया है। आपको ये सजावट कैसे लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में ये पेपर का फूलों का माला कैसे बनाना है वो भी मैं बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 12x12 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लिया है। ऐसे 6 कार्डबोर्ड लगेंगे। मेरे पास ये पतला वाला कार्डबोर्ड अवेलेबल था, इसलिए मैंने 2 पीसेस को चिपकाया है। इसके ऊपर मेरे पास ये लाल कलर का सैटिन का कपड़ा था, वो चिपका रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा कोई कपड़ा है तो वो भी आप चिपका सकते हैं, क्योंकि दिवाली में वाइब्रेंट कलर्स ऐसे गाढ़ा कलर्स अच्छे लगते हैं। तो लाल, डार्क वाला हरा, नीला, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कार्डबोर्ड के ऊपर ये चिपकाना है। कपड़ा चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल करें, इसके दाग नहीं पड़ते। और नॉर्मल फेविकॉल यूज़ करने से कपड़े के ऊपर दाग दिखता है। इसको चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी एक बना लिया है, गोटा पट्टी लगाया है, गोल्डन कलर से डिज़ाइन बनाया है। और ऐसे 3 पीसेस रेडी करेंगे, उसके ऊपर श्री और शुभ लाभ लिखेंगे। गोल्डन कलर से डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ऐसे एक पेपर में डिज़ाइन बना लिया है। ये 12x12 का कार्डबोर्ड है, इसलिए 10x10 का डिज़ाइन बनाया है। उसको आप येलो कार्बन की मदद से करके लेना है। इसके ऊपर अब एक्रेलिक गोल्डन कलर लिया है, अब इसके ऊपर पेंटिंग चालू करना है। पेंट करने के लिए 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है। 0 या 1 नंबर का ब्रश ही यूज़ करें। पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद सूखने के लिए रखना है। अभी
गोल्डन कलर का फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर लिया है। ऐसे आउटलाइन करने से वो डिज़ाइन उभर के दिखता है। कोई भी स्टेशनरी दुकान में 3D आउटलाइनर हो या ब्रश हो, फेविक्रिल कलर्स हो, सब मिल जाते हैं। ये देखिए कलर और आउटलाइन पूरा सूख गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर गोटा पट्टी लगा के, मिरर्स लगा के हम सजाएंगे। इसमें दिखाया हुआ यही डिज़ाइन आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप क्रिएटिवली और कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। डिज़ाइन के बीच में ये मिरर चिपका रही हूँ, और मेरे पास हाफ मोती भी पड़े हुए थे, उसको आउटलाइन की तरह वो भी लगाया है। उसके बाद येलो ग्रीन कलर एक्रेलिक कलर लेके डॉट का डिज़ाइन बनाएंगे तो पूरा बहुत अच्छा डिज़ाइन दिखता है। रेडी किए हुए दोनों पीसेस में मैंने श्री और शुभ लिख लिया है, अभी लाभ ये लिखेंगे। वही गोल्डन कलर के एक्रिलिक पेंट से लिख रही हूँ। ये सूखने के बाद इसको भी 3D आउटलाइनर से सजाना है।
वाइट, येलो और ग्रीन एक्रिलिक पेंट से डॉट का डिज़ाइन बना लें। तो ये तीनों पीसेस रेडी है, अब इनको जॉइन करेंगे। इनको जॉइन करने के लिए मैंने पहले एक मोती का हार किया है, उसके बाद क्रेप पेपर का एक फूलों का माल बनाया है। वो क्रेप पेपर से फूलों का माल कैसे बनाना है वो मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। ये देखिए, ये फूलों के माल के कलर भी आप अपने चॉइस से रख सकते हैं। मेरे पास जो पेपर अवेलेबल थे उससे मैंने किया है। ऐसे दो सेट बना के इन इक्वल डिस्टेंस पे इन दोनों को अटैच करना है। ये रहा इसका फाइनल लुक। इसको आप घर के दरवाजे पे तोरण की तरह लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।